गुड आफ्टरनून एवरी वन वॉट वी हैव डन वी आर डूइंग एक्चुअली चैप्टर नंबर एट कम्पेयरिंग क्वान्टिटीज़ कि हम दो क्वान्टिटीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम किस तरीके से वर्ड्स बोलते हैं और एक्चुअल में हम कौन सी चीज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं कंपेरिजन करते टाइम तो वी हैव ऑलरेडी डन रेशियो एंड प्रपोर्शन नाउ इन टू डेज क्लास विल स्टार्ट विद द परसेंटेज वी विल अंडरस्टैंड वॉट डज दिस परसेंटेज मीन्स जैसे हमने बहुत बार बोला है एटी फाइव परसेंट इसका क्या मतलब है अगर हम इस वर्ड को ही ब्रेक करें एटी फाइव पर सेंट पर मीन्स अपॉन हर एक हंड्रेड पर सेंट मीन्स हंड्रेड जिस वी से सेंचुरी सेंचुरी हम क्यों बोलते हैं उसको बिकॉज उसमें हंड्रेड होते हैं है ना वन सेंचुरी मीन्स हंड्रेड रन जब हम क्रिकेट में देखते हैं तो सेंट ई एन -E सेंट का मतलब होता है हंड्रेड और पर सेंट का मतलब होता है कि हर एक हंड्रेड पर अगर मैं अपने मार्क्स बोल रही हूँ एटी फाइव परसेंट इसका मतलब मेरे हर एक सब्जेक्ट में हंड्रेड में से 85 फाइव में मानकर चल रही हूँ कि इतने मार्क्स होंगे सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंट अब ये परसेंट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कैसे ये हमारे फ्रैक्शन डेसीमल या बाकी चीज़ों से कंपेयर होते हैं किस तरीके से ये रिलेट करके हम फाइंड आउट कुछ फार्मूलाज फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट सम क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस के हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल को इनटू द परसेंटेज ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा कि जब दो रेशियो आपस में सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम आ जाएं इक्वल आ जाएं दैट मींस कि वो प्रपोर्शन में है दे आर इन प्रपोर्शन जस्ट लाइक कि थ्री बाई नाइन इज़ इक्वल टू टू बाई सिक्स है अगर तो इसका मतलब थ्री इज़ टू नाइन जैसा हमने बोला था कि हम रेशियो को किस तरीके से रीड करते हैं थ्री इज़ टू नाइन इज़ प्रपोर्शनल टू टू इज़ टू सिक्स हुँ? ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं कि यहाँ से हम परसेंटेज को कैसे समझ सकते हैं पहले तो थ्री इज़ टू नाइन प्रपोर्शन है टू इज़ टू सिक्स के तो ऑब्वियसली थ्री अपॉन नाइन इज इक्वल टू टू अपॉन सिक्स हो गया अब इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग है थ्री अपॉन नाइन का मीनिंग जैसा हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है क्या मीनिंग होती है इसका मतलब होता है फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल मतलब मेरे पास एक होल क्वांटिटी है एक बड़ी क्वांटिटी है और उसका मुझे कुछ पार्ट लेना है दैट मीन्स दैट इज़ फ्रैक्शन तो अगर मैं थ्री अपॉन नाइन बोल रही हूँ तो दैट मीन्स थ्री आउट ऑफ नाइन और आई कैन से थ्री पर नाइन पर मीन्स हर एक नाइन पर थ्री थ्री मैंने ले लिया है ठीक है पर नाइन भी बोलते हैं अपॉन को सिमिलरली टू बाई सिक्स का क्या मीनिंग हो जाएगा टू आउट ऑफ सिक्स और टू पर सिक्स अब हम यहाँ से नेक्स्ट चीज पर आते हैं दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड अगर मेरे पास ऐसा लिखा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ इसका मीनिंग हुआ ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड इट मीन्स ट्वेंटी फाइव पर हंड्रेड अब हंड्रेड के लिए जो दूसरा वर्ड होता है और कौन सा वर्ड होता है दैट मीन्स सेंट तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वेंटी फाइव तो इसका सिंबल हमें सबको पता है स्लैश और दो दो ज़ीरो होते हैं ऊपर नीचे है ना तो जब भी मुझे कहीं पे परसेंटेज का सिंबल बना है नंबर के साथ अगर मैंने बोला ट्वेंटी फाइव और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल बना है दैट मींस मैं उस पूरी क्वांटिटी को लिख सकती हूँ ट्वेंटी फ़ाइव अपॉन हंड्रेड ये लिखा जा सकता है उसको यहाँ से तो इसको बोलते हैं हम परसेंटेज यहाँ से हम परसेंटेज को अब आगे स्टडी करेंगे ठीक है किस तरीके से हम प्रोपोर्शन से रेशियो से या फ्रैक्शन से हम परसेंटेज को समझ सकते थे तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास फिर से वही सेम चीज़ है अगर हमें किसी क्वांटिटी से हमें परसेंटेज को समझना है ठीक है मुझे निकालना है होल क्वांटिटी से परसेंटेज निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो थ्री इज़ टू नाइन प्रपोर्शनल हो गया टू इज़ टू सिक्स के सिमिलरली मैं अगर कोई और एक प्रपोर्शन ले लेती हूँ थ्री इज़ टू फोर इज़ प्रपोर्शनल टू सेवेंटी फाइव इज़ टू हंड्रेड आप चाहो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ईजिली सिम्प्लीफाई सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड यू विल फाइंड कि आंसर आपका थ्री अपॉन फोर आ रहा है क्योंकि हम सबको कैलकुलेट करना आता है सिम्प्लीफाई करना आता है हुं? अब नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ पे इसका मतलब हो गया थ्री अपॉन फोर इज इक्वस टू सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड ऑब्वियसली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये जो रेशियो का साइन है प्रोपोर्शन का साइन है रेशियो के साइन को अपॉन में कन्वर्ट करते हैं प्रोपोर्शन के साइन को इज इक्वस टू में कन्वर्ट करते हैं है ना हमने किया था अब आगे क्या होगा इसका मतलब हो गया थ्री अपॉन फोर इज इक्वस टू फाइव जैसा हमने अभी अभी बोला कि ये जो अपॉन हंड्रेड है इसको मैं लिख सकती हूँ परसेंटेज और परसेंट तो इसका मतलब है थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव परसेंट ये मीनिंग हो गया है ना दो चीज़ें प्रोपोर्शन से हम कैसे परसेंटेज पे आ गए अब इसके बाद हम क्या करेंगे अगर आप देखो तो थ्री अपॉन फोर मैंने इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उस फॉर्म में लिख दिया थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड है ना अब हम इसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना ऑब्वियसली ये जो राइट right साइड पे अपॉन 100 है जो डिवाइड में है अगर मैं उसको लेफ्ट साइड पे इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज कर दूं जैसा हमने सिंपल इक्वेशन में किया था तो वो क्या होना चाहिए ऑबवियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 अपॉन 4 100 75 इससे मुझे पता चलता है कि अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे उस फ्रैक्शन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं इजीली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकती हूँ तो जैसा फ्रैक्शन के साथ है बिकॉज कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वी कैन फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में है ना बाय डिवाइडिंग अगर हम डिवाइड कर दें तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही रूल हमारा डेसिमल के साथ भी बनता है कि डेसिमल को अगर हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमें परसेंटेज मिल जाएगा तो अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ये है हमारे पास टू बाई सेवन मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जैसा मैंने अभी बोला कि अगर मुझे परसेंटेज में मैंने शॉर्ट में इसका सिंबल लिखा है यू कैन राइट परसेंटेज या परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं इस फ्रैक्शन को क्या करूंगी हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दूंगी ये हमारा फॉर्मूला है वी कैन राइट परसेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शन इन टू हंड्रेड ये हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप हम जैसा सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम वैसे ही करेंगे फ्रैक्शन को ये फ्रैक्शन में नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में वन पुट कर सकते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा टू अपॉन सेवन इन टू हंड्रेड अपॉन वन तो ये हमारा हो जाएगा टू हंड्रेड अपऑन सेवन ऐसे ही करते हैं हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई तो ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है ये हमने क्या पढ़ा है जो फाइनल फ्रैक्शन होता है अगर वो इमर है डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको हम जनरली फाइनली मिक्सड में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन हैव कि ये एक्चुअल में क्या नंबर है ठीक है तो अब हम 200 को इसको मिक्स फ्रैक्शन में फाइनली कन्वर्ट कर देंगे सेवन टू जार फोर्टीन सिक्स बच गया जीरो हमने यहाँ पे पुट किया तो सेवन एट फिफ्टी सिक्स तो हमारा फोर बच गया अगेन पॉइंट लगा के एक जीरो करा तो सेवन फाइव जो थर्टी फाइव हमें पॉइंट्स में नहीं जाना है जनरली तो हम यहाँ पे अपना डिवीजन रोक देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ट्वेंटी एट फोर अपॉन सेवन तो मुझे एक आइडिया मिल गया है ट्वेंटी एट फोर अपॉन सेवन परसेंट जो है ये फ्रैक्शन एक्चुअल में है है ना तो मिक्स फ्रैक्शन से हमें एक आइडिया मिल जाता है अब इसी तरीके से अगर मुझे डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी मुझे ये डेसिमल नंबर गिवन है तो हमारा फॉर्मूला वही सेम चीज होता है परसेंटेज इज इक्वल टू डेसिमल इन टू हंड्रेड तो परसेंटेज मैंने डेसिमल को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब हंड्रेड से मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे ये इजी है ये हमने डेसिमल वाले नंबर्स में भी पढ़ा था जब हम हंड्रेड थाउजेंड टेन इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरली सिर्फ हमें पॉइंट शिफ्ट करना होता है और कुछ नहीं क्योंकि हम मल्टीप्लाई करें हंड्रेड से इसका मतलब ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होगा है ना बढ़ेगा तो मुझे अगर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है तो मैं पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करूंगी राइट right साइड पे शिफ्ट करूंगी और कितना शिफ्ट करूंगी टू शिफ्ट करूंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट यहाँ है मैंने वन शिफ्ट किया राइट right साइड पे और टू शिफ्ट किया तो जो मेरा नंबर बन गया दैट विल बी सिक्सटी फाइव पॉइंट ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो जीरो लगाना पड़ेगा या इसको मैं सिंपली सिक्सटी फाइव परसेंट भी बोल सकती हूँ तो इस तरीके से हमारा डेसिमल तो और भी इजी हो जाता है कन्वर्ट करना हमें सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करना होता है किस साइड पे राइट right साइड पे तो क्योंकि दो जीरो हैं तो हम राइट right साइड पे टू डिजिट्स तक शिफ्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा जैसा कि हमने यहां पे किया है जो थर्ड क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज नाइन का उसमें हमें कुछ पार्ट शेडेड दिया हुआ है और हमें उससे पहले फ्रैक्शन बनाना है एंड देन हमें उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो अगेन इट इज इजी क्योंकि हमने चैप्टर नंबर टू कर लिया है इस पोर्शन को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मैं टोटल देखूं तो इसके कितने पार्ट्स है? हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पार्ट्स हैं जिसमें से वन टू थ्री थ्री पार्ट्स शेडेड हैं तो वी कैन राइट थ्री आउट ऑफ फाइव फाइव में से थ्री पार्ट शेडेड है इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बना फ्रैक्शन इज इक्वल टू थ्री अपऑन फाइव यह हमारा फ्रैक्शन बन गया ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं परसेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शन इन टू हंड्रेड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ठीक है तो मैं फ्रैक्शन इसका मतलब थ्री अपऑन फाइव को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करूंगी एंड अगेन फ्रैक्शन में मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं सबको ही फ्रैक्शन बना देती हूं अपॉन वन करके अब जैसा हमने बोला है मल्टीप्लीकेशन में अगर हमें कहीं भी न्यूमरेटर में या कहीं भी डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नजर आता है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो फाइव वन जार फाइव फाइव टू जार टेन और जीरो तो रहेगा ही है ना तो हमारा आंसर हो गया थ्री इन टू ट्वेंटी दैट मींस सिक्सटी परसेंट तो ये जो शेप है इसका फ्रैक्शन बना थ्री बाय फाइव एंड इसका परसेंटेज बन गया सिक्सटी परसेंट